हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। GD कॉइन का स्कूल शिक्षक भर्ती का एक नया एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है। ये जो स्कूल है, डे स्कूल के साथ में रेजिडेंशियल स्कूल भी है, आवासीय विद्यालय भी है, और यहाँ पर सभी शिक्षक पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। CTET या TET जो है यहाँ नहीं मांगा गया है, और बिना अनुभव के आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी फीस आपकी यहाँ नहीं लगेगी। आयु जो है यहाँ पर 45 ईयर तक रखी गई है। सैलरी के साथ में आप लोगों को ट्रांसपोर्ट भी जो है अवेलेबल कराया जाएगा। तो चलिए मेन वेबसाइट पर हम देख लेते हैं, जहां पर हमें एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिलेगा और एडवर्टीजमेंट भी जो है मेन वेबसाइट पर स्कूल की देखने को मिलेगी। GD गोइन का इंटरनेशनल स्कूल, और यहां पर जैसे ही करियर सेक्शन पर आप लोग क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहां मिलेगा, और ये जो एडवर्टीजमेंट है यहां आपको देखने को मिलेगी। न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई है और मेन वेबसाइट पर भी है। तो इसे जो है बड़ा करके देखेंगे पहले कि यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन, एज वगैरह क्या कहा गया है, कैसे अप्लाई करना है। तो इसे जो है मैंने बड़ा कर लिया है। यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड की गई है एडमिशन काउंसलर फीमेल कैंडिडेट के लिए, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव फीमेल कैंडिडेट के लिए, PGT अगर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपने सब इन सब्जेक्ट्स में किया है, साथ में BEd है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश से हिंदी के लिए, साइंस में फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स के लिए, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़ में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट हैं। यदि आपके पास मास्टर डिग्री और साथ में BEd है। TGT के लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में BEd कंपल्सरी है। सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। ये स्कूल काफ़ी बड़ा स्कूल है और इस स्कूल से हर साल जो है वैकेंसी काफ़ी संख्या में आती है, और बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ से सेलेक्ट भी होते हैं। सैलरी यदि आप लोग उनसे पूछेंगे तो उनकी सैलरी जो है PRT के लिए 30,000 से अधिक सैलरी उनको मिलती है। बाकी जो है जैसे हर साल उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, सैलरी भी जो है बढ़ती जाती है। PRT के लिए जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर BTC, DLED या आपके पास जो है STC है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सभी विषय के लिए वैकेंसी है। मदर टीचर्स के लिए आपको संभालना होगा नर्सरी KG Class 1 Class 2 को। एक्टिविटी टीचर्स में जो है यहाँ पर म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट एंड रोबोटिक्स की वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन के लिए एज यहाँ पर मेंशन की गई है। हॉस्टल वार्डन मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो 45 ईयर तक। हॉस्टल असिस्टेंट वार्डन मेल या फीमेल जो है यहाँ पर 40 ईयर रखी गई है। स्टाफ नर्स की भी जो है वैकेंसी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन ऑल कैटेगरीज स्टाफ फॉर बोथ डे स्कूल एंड रेजिडेंशियल स्कूल, तो ये जो है डे स्कूल भी है और रेजिडेंशियल स्कूल भी है, तो सारी फैसिलिटी भी जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगी। फ्लुएंसी इन इंग्लिश मस्ट फॉर ऑल पोजीशन। अब ये लाइन देकर जो है वो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बिल्कुल जो है वो इंग्लिश में ही जो है एक एक वर्ड इंग्लिश में बोला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। विज्ञापन में ये लिख दिया जाता है। बाकी जो है अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो बिल्कुल आप अप्लाई करें, ठीक है, घबराएं नहीं, डरे नहीं। नीचे यहां देखें, ट्रांसपोर्ट विल बी अवेलेबल फॉर स्टाफ फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली। ये जो है स्कूल है कहाँ, तो यह देखिए यहां पर बहलगढ़, मेरठ रोड, खेवरा, सोनीपत, दिल्ली NCR, हरियाणा की ये वैकेंसी है, ठीक है। ये वैकेंसी कहाँ की है, दिल्ली NCR, सोनीपत, हरियाणा की वैकेंसी है। ये जो है इंटरनेशनल स्कूल है GD गोइन का। तो ये एड्रेस है, ये टेलीफोन नंबर है। अभी जो है अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है आप लोग मेन वेबसाइट पर चले आएं, और यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में आप देखें करियर सेक्शन है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। आपके सामने जो पेज ओपन होगा, यहाँ जॉब एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और नीचे विज्ञापन मिलेगा, ठीक है। और लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ सकें, एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है डाउनलोड कर सकें और इस एडवर्टीजमेंट को भी दोबारा देख सकें। तो जॉब एप्लीकेशन सबसे पहले फॉर्म जो है ओपन करके देखेंगे। ये फॉर्म है, ये जो है फिल करना है आप लोगों को, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और यहाँ पर जो है आपका जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पर लगा देंगे। डू नॉट स्टेपल, स्टेपल नहीं करना है आप लोगों को, इसे चिपकाना होगा, ठीक है, पेस्ट करना होगा। उसके बाद जो है पर्सनल डाटा जो कैंडिडेट की है वो फिल की जाएगी। एक्सपीरियंस CTET या TET ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है, और फीस भी जो है आप लोगों की यहाँ नहीं लग रही है। कैसे जो है वो भेजना है, तो चलिए यहाँ पर लिखा है, फॉर ऑल द पोजीशन प्लीज मेल योर अपडेट रिज्यूम विद इन 10 डेज
फ्रॉम पब्लिकेशन। 29 नवंबर को ये पब्लिश हुआ है, उसके बाद के 10 दिन तक जो है आप लोग मेल कर सकते हैं अपना अपडेट रिज्यूम। सबसे पहले आप लोगों को रिज्यूम जो है वो सेंड कर देना है, और ऑल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर रिज्यूम अलोंग विद अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जब भी आपको बुलाया जाता है तो आप अपना जो है बिल्कुल अपडेट रिज्यूम जो है उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाएंगे। फॉर ऑल पोजिशन एप्लीकेंट, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है पे स्केल आपको मिलेगी, और काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर दी जाती है। सैलरी आपकी 30,000 से अबव ही जो है सैलरी रहेगी पीआरटी टीचर्स के लिए अगर हम बात करें, और बाकी जो है जो हायर पोस्ट हैं उनकी तो सैलरी और भी अधिक जाएगी। यहाँ लिखा है अप्लाई विद फोटोग्राफ ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया है, टू बी डाउनलोड डाउनलोड करना है फ्रॉम द स्कूल मेन वेबसाइट से और अप्लाई कर देना है। ठीक है, रिज्यूम के साथ में आप लोगों को अप्लाई कर देना है, मेल करना होगा। मेल के लिए जो है यहाँ नीचे दिया हुआ है ईमेल एड्रेस jobs@gdgoenka.sonipat.com, इस पर आप लोगों को रिज्यूम भेजना है और आप लोगों को अप्लाई कर देना है। ठीक है, और एड्रेस जो है आपको बता दिया है। बाकी जो है जो दूर रहते हैं उनके लिए, नॉर्थ दिल्ली में जो रहते हैं, ट्रांसपोर्ट विल बी अवेलेबल फॉर स्टाफ फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि आपकी तरह और भी जो स्टूडेंट जॉब सर्च कर रहे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन सही समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल से ऑल सब्जेक्ट पीआरटी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आप लोग डायरेक्ट स्कूल की मेन वेबसाइट पर आ सकें। बस मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और अगर सही लगता है तो लाइक भी करें। इसके साथ यदि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है स्कूल्स में तो प्लीज़ अपना जो अनुभव है कमेंट में बताएं ताकि और स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो मिलेंगे थैंक यू।